अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आयशा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी भिंडी फ्राई रेसिपी। बिना प्याज टमाटर बिना अदरक लहसुन के बहुत ही कम सामान से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार भिंडी फ्राई बनकर हमारी तैयार होगी। कड़ी खिचड़ी और दाल चावल के साथ खाने वाली ये बेस्ट भिंडी फ्राई रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी को धोकर सुखा कर काट लिया है। भिंडी को हमें बहुत बारीक बारीक नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी साइज का काटे, जिससे हम जब भिंडी को फ्राई करेंगे तो जो अंदर के शीट से वो बाहर नहीं आएंगे। अगर आप बहुत बारीक भिंडी को काटेंगे जब हम फ्राई करेंगे तो सारे शीट आपके बाहर आ जाएंगे और सब्जी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। 4 बड़े चम्मच ऑयल मैंने गरम कर लिया है, जिसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे। कटी हुई भिंडी ऑयल में डाल देंगे, एक बार स्टर कर लेंगे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि भिंडी बहुत लेसदार होती है, एकदम क्रिस्पी करारी नहीं बनती है। आपके लिए मेरी एक टिप है, जिसको ये शिकायत है, एक बड़ी साइज का नींबू लेकर काट कर उसका रस ले लें और जब भिंडी आप फ्राई करने डालें तब आप उसमें नींबू का रस मिला दें, अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। भिंडी को फ्राई करते वक्त आप नींबू मिलाएंगे तो आपकी भिंडी में लेस नहीं बनेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हम अच्छे से भिंडी फ्राई कर लेंगे। 50% भिंडी हमारी कुक हो गई है, मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। आप नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जब भी आप क्रिस्पी भिंडी फ्राई बनाएं तो नमक स्टार्टिंग में ना डालें। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम भिंडी को फ्राई होने देंगे। जब हमारी भिंडी 90% तक कुक हो जाएगी तब हम इसमें पाउडर मसाले मिलाएंगे। भिंडी हमारी 90% तक कुक हो गई है, अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। बहुत मसालों को भिंडी में मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक हमें भिंडी को फ्राई करना है, जिससे हमारी भिंडी का जो टेक्सचर है वो एकदम ही क्रिस्पी हो जाएगा। 7 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर भिंडी को फ्राई किया है। भिंडी का लुक आप देख सकते हो, कितनी क्रिस्पी और करारी भिंडी हमारी बनी है। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ले सकते हो, टिफिन के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। कहीं सफ़र में जाना हो तो भी आप इसे ले जा सकते हो। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तैयार है हमारी भिंडी फ्राई। इसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी आसान रेसिपी है, बहुत ही कम सामान में बन जाती है, ही कम वक्त में ये भिंडी फ्राई आपकी बनकर तैयार होगी। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई दें, बिना लेस के एकदम ही क्रिस्पी और करारी आपकी भिंडी फ्राई बनकर आएगी। घर में सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चों की तो ये फेवरेट बन जाएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वेलकम कुकिंग विद आयशा को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, दुआओं में हमें याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।